बासना बाजार क्षेत्र में सुनील पुत्र बनवारी लाल की लाइसेंसी रिवाल्वर से संजीव वर्मा की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि ज्ञात हुआ कि लाइसेंसधारी सुनील अपने रिवाल्वर को बेचने जा रहा था। वहीं संजीव वर्मा से बैठकर इस विषय में बात ही कर रहा था। इसी के लेन देन के दौरान रिवाल्वर को देखने में दुर्घटना से गोली चल गई और संजीव वर्मा को गोली लग गई, जिसमें संजीव वर्मा की मौत हो गई। मौके पर पुलिस बल द्वारा पहुंचकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, घंटा कोतवाली क्षेत्र में एक मामला सामने आया है कि गोली चलने का, क्या पूरा मामला सर? देखिए, चौपला चौराहे के घंटाघर चौपले के पास देवयाशी ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव उर्फ छोटू। ये उन्हीं के पास में स्थित एक भग्गू ज्वेलर्स की दुकान है। वहाँ पर एक दूसरे ज्वेलर्स हैं सुनील, जिनकी दुकान है बनवारी लाल सुनील कुमार करके ज्वेलर्स की, उनके पास गए थे। वो वहाँ बैठे हुए थे। सुनील कुमार को जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं दुकान में, जो लोग मौजूद थे, जो उन्होंने हम लोगों को बताया, वो ये बताया कि सुनील कुमार अपनी रिवाल्वर बेचना चाहते थे। उसी संबंध में बात करने के लिए उन्होंने संजीव को वहाँ दुकान पर बुलाया था। तो रिवाल्वर अपना आपस में लेके वो देख दाख रहे थे। इसी बीच कैसे और क्यों गोली चल गई ये समझ नहीं आया, और गोली जो चली वो संजीव और छोटू को लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। वास्तविक स्थिति क्या है, कैसे गोली चली, इसके लिए हम लोग DVR उनका खुलवा रहे हैं, देख रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो मौजूद थे वहाँ, दो लोग जो उन्होंने बयान दिया, वो मैंने आपको घटना बताई है।